गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश। इसमें हमने प्रकाश की जो घटना है परावर्तन, उसके बारे में अध्ययन किया। परावर्तन में हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देख लिया था, तो इससे हमने छह स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण देखा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? ठीक है, छोटी क्लासों में कक्षा 8 में भी हमने पढ़ा है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसमें दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वास्तविक रूप से एक दूसरे को काट रही है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या है? जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं काटे, बल्कि वो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो अंतर है इनमें वो क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आवासीय प्रतिबिंब जो है इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो दोनों अंतर है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अंतर है वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब में दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा अंतर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दो अंतर हैं।
इसमें वास्तविक और आवासीय प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं इनमें दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, जबकि आवासीय प्रतिबिंब में दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जबकि दूसरा अंतर जो है वो क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आवासीय प्रतिबिंब जो होते हैं इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके वास्तविक और आवासीय प्रतिबिंब होते हैं। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है इसमें मैंने अभी आपको बताया था वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। उत्तल दर्पण से हमने प्रतिबिंब निर्माण देखा, छह स्थितियों में देखा, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो विभिन्न स्थितियों में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें केवल दो स्थितियां पढ़नी है। पहली स्थिति कंडीशन वन, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो स्टूडेंट्स, अनंत पर, ठीक है। तो हम कौन सा दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, इसके अंदर दसी हुई भाग पर क्या करेंगे हम, पॉलिश, ठीक है। तो ये बाहर का जो उभरा हुआ भाग है वो एक परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा। तो ये कौन सा दर्पण बन गया आपका, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी मुख्य अक्ष, क्या हो गई ये मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये ध्रुव पी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहां पर मुख्य फोकस, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है इसका मुख्य फोकस किधर होता है, पीछे की ओर होता है, और वक्रता केंद्र भी पीछे की ओर होता है, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। तो अनंत से मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, वस्तु अनंत पर है तो अनंत से उस वस्तु से प्रकाश किरण जो है वो दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है। और वो कैसे आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरण, ठीक है। अब ये उत्तल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण तो क्या करता है, प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद पास पास ला देता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण है ये क्या करता है, परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को दूर फैला देता है, इस तरह से ये कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश किरण दूर चली गई, लेकिन प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें दो प्रकाश किरणों का किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना आवश्यक होता है। तो दूसरी प्रकाश किरण, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो वो दूसरी प्रकाश किरण की कहां से आपतित होगी, अनंत से ही आपतित होती है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसको भी ये क्या करेगा, दूर फैला देता है। अब देखें हम, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या दोनों प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं, नहीं काट सकती। लेकिन यदि इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इस तरह से, तो इस बिंदु पर यहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, कहां पर, मुख्य फोकस एफ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश किरणें हैं क्या वास्तविक रूप से एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वास्तविक रूप से एक दूसरे को
नहीं काट रही बल्कि क्या डॉटेड लाइन से यानी इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ एक दूसरे को ये काट रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आवासी होता है। कैसा होता है वो? आवासी। ठीक है, और आवासी प्रतिबिंब अधिकांश से कैसे होते हैं स्टूडेंट? सीधे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, और आवासी कैसे होते हैं? सीधे। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसकी व्याख्या लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है, यह आवासी सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा बिंदुवत आकार का तो इस तरह से हमने देखा कि उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस एफ पर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा बिल्कुल बिंदुवत आकार का बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंडीशन नंबर एक हो गई उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसके बाद सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे इसमें सेकेंड कंडीशन जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर हो, जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर हो, ठीक है, अनंत के अलावा कहीं और हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो वही अपन किसका निर्माण करेंगे? उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो गई ध्रुव टी। ठीक है, यहां मान लीजिए आप मुख्य फोकस एफ, प्रकाश केंद्र सी। ठीक है, कंडीशन नंबर दो क्या कह रही है? कंडीशन नंबर दो कह रही है जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर हो। ठीक है, तो अनंत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर, मान लीजिए वस्तु को हमने यहां पर रख लिया। ठीक है, यहां से वस्तु से क्या हो रहा है? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है दर्पण पर। यहां से इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? बताइए, परावर्तन होगा। अब परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को दूर फैला देता है, तो परावर्तन के बाद ये दूर निकल जाती है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों का एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना है। तो पहली प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और दूर चली गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जो है ये ध्रुव पी पर आपतित होती है इस तरह से, और उतने ही कोण के साथ परावर्तित हो जाती है। अब देखें क्या आगे बढ़ाने पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं?
नहीं कर सकती क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन यदि इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाया जाए इस तरह से डॉटेड लाइन से, ठीक है, इसको भी अपन पीछे बढ़ा दें, तो इस स्थान पर हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और यहीं पर इनका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब चूंकि ये हम देखा कि वास्तविक रूप से तो एक दूसरे को काट नहीं रही, लेकिन हमने डॉटेड लाइन से जब इनको पीछे बढ़ाया तो ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आवासी। ठीक है, और आवासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे वैसे भी देखें तो ये मुख्य अक्ष के कहां बन रहा है, ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे, तो ये सीधा है, आवासी है, और वस्तु से कैसा है, देखिए आप तुलना करें तो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो अपन यहां पर वैसे लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बताइए, दर्पण के आगे या पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब ये कैसा है, यह है आवासी और सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कंडीशन नंबर सेकंड, जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर हो तो दर्पण के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह कैसा होता है, वास्तविक, सॉरी कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। यानी उत्तल दर्पण में हमने देखा दोनों कंडीशनों में कि जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, तो ये ध्यान रखना उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। ठीक है, और कैसा होता है, आवासी होता है, और वस्तु से हमेशा कैसा रहता है, वो छोटा। दोनों कंडीशनों में हमने देखा कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कंडीशन है किसके लिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।